मॉर्निंग, तो आप लोग कैसे हैं? नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, हेलो फ्रेंड्स, तो गुड आफ्टरनून, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं भी ठीक हूं। आज मुझे जाना है कहीं, तो आप लोग भी चलिएगा। अभी मैंने सारा काम घर का कर लिया है। कुछ श्रेया के कपड़े थे जो वो नहा कर गई थी, तो मैंने धो दिए और अभी पानी गरम करने को रखा हुआ है। मैंने श्रेया को सुबह ना नाश्ते में जल्दी जल्दी क्या बना के दिया है, टिफिन में रोटी घी लगाकर और आलू और प्याज का ऐसी भुर्जी बना दिया था, तो वो लेकर गई है। और अभी मैंने किचन का सारा काम कर दिया है, जो कि तो ये कढ़ाई में ऑयल रखा हुआ है अभी, और यहाँ पर मैंने ये किचन का कपड़ा ऐसे धोकर डाल दिया है, बर्तन भी धुल गए हैं, सारा कुछ यहाँ पर काम हो गया है। यहाँ पे चढ़ा हुआ है पानी हमारा, एक बाल्टी पानी बन जाएगा गर्म पानी। उधर पर चल रहा हमारा वीडियो, और ये कल ये जो सीलन दिख रही है ना, इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर प्राइमर नहीं करवाया था। इस दीवार में प्राइमर करवाया था, तो इस दीवार में प्राइमर करवाया था तो इधर पर बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले कितनी दिखती थी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर दिख रही है सीलन, आप लोग देख लीजिए। हॉल में भी प्राइमर करवाया था, तो हॉल में भी सीलन इतनी नहीं है, पर मैं मुझे वो देखो ऊपर लास्ट में कोने में वहाँ पर दिख रही है। और मैंने ना वहाँ पर ढक दिया था, यानी कि प्लास्टर करा, यानी बेस डलवा दिया था, तो बेस डलवा दिया था मैंने। ये देखो, ये शैम्पू है, मैं जो शैम्पू करती हूँ, ये शैम्पू रखे हुए हैं, बड़े प्यारे शैम्पू है। शैम्पू ना ये थोड़ा सा बचा है, इतना सा बचा है शैम्पू, कंडीशनर रखा हुआ है ज़्यादा, तो अभी तो ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद दूसरे निकालूंगी। दूसरे भी आ गए हैं मेरे पास कंडीशनर और शैम्पू। मम्मा अर्थ का ही मैं मंगवाई हूँ, ऑनियन वाला। अभी बालों की बड़ी ज़ोर शोर से केयर चल रही है, तो देख सकते हो मैंने रबल ये नीचे से कट कर दिए हैं। हालांकि मैंने शूट नहीं किया वीडियो, तो मैंने ये इतने बाल कट कर दिए हैं, और बिल्कुल ऐसी घर पर ही खुद ही कट किए। मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती हूँ, क्योंकि पार्लर में फालतू पैसे वेस्ट करना, जो हमसे खुद बन जाएगा तो हम पार्लर में क्यों पैसे लगाएं। तो अभी हम जाएंगे। और ये स्वेटर सबको अच्छी लग रही थी, तो इसमें बना हुआ है टैडी, ये देखिए, और ये श्रेया की स्वेटर है। तो हम चलेंगे, तो आप लोग भी चलिएगा, थोड़ा काम से जाना है, हो सका तो शूट करेंगे वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए यहाँ पर, क्योंकि हेयर वॉश किया था हमने, तो धूप में आ गए, बहुत ज़ोर की ठंड लग रही थी। अब बस मेरे पास 30 मिनट हैं, 30 मिनट में मुझे रेडी होके बस निकलना ही है, टाइम हो रहा है। और मैं थोड़ा सा IMP वाले काम से जा रही हूँ, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे जाना है, और हो सका तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, आप लोगों को आगे वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं बॉडी लोशन लगा रही हूँ, बोरो प्लस वाला, और मेरी जो फेस डे क्रीम है उसको मैं चेहरे में। फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ कंघी करने के लिए, यानी बाल सुलझा लेती हूँ। गीले बाल हैं, गीले बालों में कंघी तो नहीं करते हैं, पर टाइम नहीं है, करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं निकल गई हूँ घर से, अब ऑटो पकड़ेंगे, तो चलो आप लोग भी चलिए साथ में। तो फ्रेंड्स, हम ऑटो में बैठ गए हैं, और मुझे तो ठंड लग रही थी इसलिए मैंने स्वेटर भी पहन लिया है, और बस अब निकलेंगे। दोपहर का 2 बज रहा है करीब, और क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ जाती है ना कि हमको करना ही होता है काम, अगर हमारा मन भी नहीं है तो भी हमको करना होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए परिस्थिति के हिसाब से हमें, समय के अनुसार हमें खुद चेंज भी होना पड़ता है। भगवान हमारी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, और आए दिन कोई ना कोई ऐसी परेशानी आकर सामने खड़ी हो जाती है, जिसको कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कैसे सॉल्व करना होगा, और समझ में नहीं आता है। पर कोई ना, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, मेहनत से भी नहीं डरते हैं, हम ज़रूर उस चीज़ में सफलता हासिल करेंगे। और सफलता हासिल नहीं भी हुई, अगर कोई चीज़ हम, यानी उस चीज़ से हमें उस चीज़ का फल प्राप्त नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आगे फिर उस चीज़ के लिए
हम प्रयास करेंगे जिसमें कि हम आगे फिर से पास हो जाएं। और फिर लौटते समय हम ये लेकर आए थे सिंघाड़े, काफ़ी अच्छे सिंघाड़े मिल गए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते। श्रेया नहीं खाती है, मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं ये लेकर आई थी पेठा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ और मुझे आए करीब 1-2 घंटे हो गए हैं। तो अभी मैंने यानी कैमरा ऑन किया और श्रेया यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, आप लोग देख सकते हो। और मैं जिस काम से गई थी वो काम अभी आधा अधूरा सा हुआ है। हाँ, वीडियो पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या काम था क्या नहीं। और ये तो मैं अभी वीडियो देख रही थी क्योंकि मैं वीडियो अभी अपलोड किया है मैंने कुछ देर पहले, तो यहाँ पर अभी वीडियो देख रही थी मैं। पढ़ाई कर रही है। गुड मॉर्निंग, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी 11 बज रहा है और मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया, सारा काम हो गया है मेरा। और मैं बैठी हुई थी अभी, तो मैंने बोला चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं, देखते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है, तो तबीयत मेरी अभी ठीक सी नहीं है, यहाँ पर बैठ जाती हूँ। लेकर आई थी ये ऑयल बालों में करने के लिए। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कौन सा ऑयल करते हैं, तो मैं ये वाला ऑयल है, कैरेट सीड्स हेयर ऑयल, तो ये वाला ऑयल मैं अभी लगा रही हूँ। इसको मैं ख़त्म कर लूँगी फिर मैं ये, मुझे मैंने इसका रिव्यू दिया था ना, प्रमोशन वीडियो था इसका, तो यही आया था तो मैं यही लगा रही हूँ। अच्छा ऑयल है और ठंडी बहुत है। पसंद है ये सिंघाड़े, देखो अच्छे बड़े बड़े सिंघाड़े हैं। पता कैसे मिल गए थे? मैं कल गई थी ना, तो मुझे ये मिल गए थे 20 रुपए के 25 सिंघाड़े मिले थे। यहाँ पर ऐसे ही मिलते हैं, तो मैं लेकर आई थी। बहुत अच्छे लगते हैं, मन नहीं है खाने का पर खा लेते हैं। किसको किसको पसंद है वॉल सिंगाड़े? कच्चे भी खाती हूँ मैं, कच्ची तो बहुत सारी चीजें खा लेती हूँ। पहले मुझे पूरा यानी 30 दिन हो जाता था, मैं बालों में ऑयल करती ही नहीं थी, पर अब मुझे ऑयल करना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि ना मेरे को हेडेक होता है, आप लोगों को पता है, तो मैं अगर ऑयलिंग कर लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि जो 100% सर में दर्द होता है ना वो 50% हो जाता है, तो वो 50% गायब होने के कारण से मैं जब भी मुझे लगता है कि भारी भारी सा सर है तब मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, और वो अपने बालों के लिए अच्छा भी होता है। पहले शुक्ला जी थे तब मैं ऑयलिंग इतना नहीं करती थी और इतना केयर भी नहीं करती थी, ना स्किन की ना बालों की ना ही कुछ भी, बट अब मैं सर दुखता है ना इसलिए मुझे करना होता है, क्योंकि अब अपनी खुद केयर करना होगा। पहले तो शुक्ला जी कहीं दवा लाते थे, कभी सर में दर्द होता था तो सर दवा देते थे, पर अब तो कोई नहीं है ना, तो मुझे खुद करना होता है, इसलिए मैं अब बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ। वो खुद बोलते थे कि ऑयलिंग नहीं करती तो बालों में बिल्कुल ऑयल नहीं लगाती, सूखे सूखे से बाल रखे रहती है, पर अब मैं बालों की ऑयलिंग कर लेती हूँ क्योंकि सर में बहुत दर्द होता है मेरे। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं छत पर। अश बनाना क्या है ये नहीं पता है, कैसे मैं ऐसे डबल करके यानी ऐसे ज़्यादा ना ऐसे करके, ये ठंड लग रही है मुझे इसलिए ऐसे ओढ़ लिया है मैंने, ठंड में तो कार्टून बन जाते हैं। और श्रेया हमारी पढ़ रही है करके, हम वीडियो का एक्सपोर्टिंग यानी करने आए, बाहर निकले थे तो हम छत पर ही आ गए, क्योंकि दो इधर पर जैकेट डली हुई हैं तो वो गीली अभी सूखी नहीं है। और श्रेया हमारी पढ़ाई कर रही है, हम आए थे। श्रेया क्या बनाना है आज? दाल हप्पा है ना, तो चलो टमाटर तोड़ लेते हैं, दाल चावल बना लेंगे, ज़्यादा नहीं 2-4 बस, क्योंकि टमाटर नीचे नहीं है बिल्कुल भी। ये टमाटर सब लोग बोल रहे थे कि टमाटर बहुत लगे हैं, टमाटर लाल लाल है पका टमाटर, खा कर देखो कितना अच्छा।
लाल लाल बन जाओगे। और कहाँ हैं ये लगे हैं छोटे छोटे टमाटर, दो तीन डालो जितने की जरूरत, इतने टमाटर काफ़ी हैं। और बाकी यहाँ पर भी लगे हैं, यहाँ नीचे लगे हुए हैं, पर अभी मुझे इतने ही चाहिए थे, ये लगे रहन दो। जितने की ज़रूरत थी मैंने उतने तोड़ लिए हैं, इतने काफ़ी हैं। दाल में थोड़ी सी, दो तीन कटोरी तो दाल बनानी है बस। तो अब मैं जाऊंगी नीचे थंबनेल बनाने के लिए, अभी थोड़ी देर बाद जैकेट उठाऊंगी, तो ले थी गंदी हो गई थी इसलिए। और बिटिया यहाँ पर लाइट ऑफ है फिर भी पढ़ाई कर रही है, कैसे कर लेते हैं ना, अच्छा दिखता है, ज़्यादा में आँखों में जोर पड़ता है, अंधेरे में पढ़ने में ठीक है। नहीं ऐसा नहीं बेटा, अब तुम ये वाली कर दो। अच्छा ये वाली कर ली, ये देखो यहाँ पर पढ़ रही है, अभी तो नहीं बना रही हूँ, थोड़ी देर से बनाऊंगी। चाय तो पी ली थी हम लोगों ने बनाकर, हमने भी पी ली, श्रेया ने भी पी ली। यहाँ की लाइट ऑफ है, जहाँ जरूरत होती है वहीं पर लाइट ऑन करते हैं, वरना ऐसे नहीं करते हैं। तो अभी हॉल की कर दी या बेडरूम की कर दी, ज़्यादातर बेडरूम की ही ऑन रहती है। तो मैं यहाँ पर बैठ के पहले मैं थंबनेल बना लूँ, क्योंकि वीडियो का काम एक्सपोर्टिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये बन गया है चावल, और दाल भी बना ली है हमने, तो ये थोड़ी सी दाल है, हम दोनों के लिए काफ़ी है। आइए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम दाल चावल। और दाल चावल के साथ हमने क्या रखा है वो भी आप लोगों को आगे वीडियो पर पता चल जाएगा। फिलहाल में हमने कुछ फ्राई वगैरह नहीं किया है, हमने जो मिर्च बनाई थी वही है, कभी कभी ऐसे भी खा लेना चाहिए, तो दाल चावल है। और श्रेया खाएगी खाना दाल चावल। फ्रेंड्स खाना हमने बना लिया है और अब खाने जा रहे हैं, करेक्ट 7 बज रहा है, खा करके और फिर श्रेया को पढ़ाई करनी है अभी, है ना श्रेया, पढ़ाई करनी है। आइए आप लोग भी खा लीजिए सादा सिंपल दाल चावल और नींबू वाली मिर्ची। खाने के मैं करीब 30 मिनट बाद यहाँ किचन में आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर खिड़कियों में मैं साफ़ कर लेती हूँ खिड़कियाँ, और यहाँ पर गैस साफ़ भी कर लिया, स्टैंड लगा देती हूँ। पहले मैंने गैस ही साफ़ किया था, फिर ये कपड़ा गीला था तो मैंने बोला चलो खिड़की में भी हम कपड़ा कर देते हैं, यानी कि जिससे क्लीन खाना वाना बनाते हैं थोड़े बहुत छींटे अगर आ जाते हैं तो। वैसे तो मैं गैस को, यानी जो चूल्हा है उसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेती हूँ जिसमें कि छींटे ना जाएं उसमें, क्योंकि कांच है वो। और यहाँ पर मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, बर्तन यानी कि पहले बर्तन धो लिए थे उसके बाद ही मैं यहाँ पर, तो बिल्कुल से क्लीन हो गया है किचन। सुबह सुबह हमको बिल्कुल से अगर काम नहीं होता है ना तो अच्छा फील होता है, और किचन में हमें बस ऐसे ऊपर यानी जो है कि जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर तो हम साफ़ कर ही लेते हैं, पर ये बर्तन वगैरह नहीं रहते, डायरेक्ट हम पानी वानी भर करके और ये जो कपड़ा है ना इसी को गीला कर यानी करके हम यहाँ पर सुबह सुबह पोंछ लेते हैं अच्छे से, तो वो क्लीन हो जाता, फिर हम बाकी की खाना वगैरह नाश्ता वगैरह बना लेते हैं आराम से, चाय वगैरह। तो देखो हमारा ये किचन क्लीन हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा आज आप लोगों को, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ की हम बंद करते हैं लाइट और वीडियो ऑफ।